Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Smile. So guys, आज मेरा कुछ plan है कोई vlog बनाने का because इतने दिन से मैं mini vlogs बना रहा हूँ, कुछ बड़ा vlog ही नहीं बना रहा because guys रमज़ान है तो कौन, हम तो बहुत सुस्त होते हैं रमज़ान में, तो कौन इतनी ज़्यादा मेहनत करके vlogs बनाए, पर आज मैंने सोचा कि कोई vlog बनाता हूँ. So guys, मैंने अपने Insta पर मतलब रखा था कि आप मुझे कोई आइडियाज दें व्लॉग्स या फिर चैलेंजेस का. अभी तक आपने रिप्लाई नहीं दिया तो नहीं, पर कोई कोई लोग ना सीन करके भी मतलब रिप्लाई नहीं देते, तो इसी की वजह से तो गाइज मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप रिप्लाई दिया करें ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, वरना आपके लिए वीडियोस कब कहाँ से आएंगी. और गाइज मेरे जो है ना इंस्टाग्राम पर 4.6K मतलब होने वाले हैं फॉलोअर्स. सो गाइज प्लीज़ मुझे उधर जाके फॉलो करें, और जैसे ही मेरे 4.6K हो जाएंगे सो मैं एक बड़ा सा गिव अवे दूंगा, मतलब बड़ा ही होगा कुछ तो इसलिए. और गिव अवे कि मैं अगर मतलब अभी तो है मेरे लाइक 4591, जैसे ही 95 क्रॉस कर जाएंगे तो मैं गिव अवे के बारे में बता दूंगा. सो आफ्टर दैट आपको जल्दी से फॉलो करना है और मेरी पोस्ट को लाइक करना है, शेयर करना है, और उसमें कमेंट भी करना है, और मेरी पोस्ट को शेयर भी सेव भी करना है. सो अगर मेरी एक कोई पोस्ट इस व्लॉग के बाद वायरल हो गई सो मैं वो गिव अवे पूरा मतलब वो कर दूंगा, रिवील कर दूंगा, देन यू ऑल इन्जॉय, क्योंकि उसके बाद मैं गिव अवे दूंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा गिव अवे. सो मैं पहली बार गिव अवे दे रहा हूँ, सो आप जाएं मुझे फॉलो करें एंड लेट द वीडियो गेट स्टार्टेड. एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर 10K ऑन टिकटॉक और 120 फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक. और जब मेरा पुराना अकाउंट को 10 मिलियन बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह 10 मिलियन भी हो जाएंगे, 10K जब मेरे पुराने अकाउंट को हुआ था तो जल्दी से जल्दी 15K भी हो गए थे, तो 15K पे मैं बहुत खुश हुआ था, तो फिर मेरा अकाउंट बैन हो गया. पर इंशाल्लाह इस बार ऐसा नहीं होगा, मेरा अकाउंट 10K हिट हो गया है, सो इंशाल्लाह बढ़ेगा, 10.1K भी हो गए जल्दी से. सो गाइस जल्दी से जल्दी आप 100K भी करवा दीजिए, 50K भी करवा दीजिए, मुझे इतना तो आप पे यकीन है. सो मेरी मैं आपको, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया. और गाइस स्मॉल बॉस सीजन 5 भी आ चुका है, कंटेस्टेंट लिस्ट मेरे इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम पर ये मेरा इंस्टाग्राम है, आपको वैसे ही मेरे प्रोफाइल पे वैसे ही यहाँ पे ऊपर इधर 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 आपको मेरे इंस्टा दिख गया होगा क्योंकि मैं उधर चिपका देता हूँ. सो दैट्स व्हाई. एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर माय 10K ऑन टिकटॉक. सो लेट्स अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, बिकॉज मेरे ट्यूशन टाइम चेंज हो गए हैं रमज़ान की वजह से, मेरे ट्यूशन टाइम्स हो गए हैं 3:30 से 5:30, तो इसलिए रोज़ा रखना भी थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होता, तो इसलिए मैंने 2 रोज़े छोड़ दिए, एक मैंने रखा नहीं सहरी के बगैर, दूसरा भी नहीं रखा सहरी के बगैर, क्योंकि सहरी के बगैर रोज़ा मेरा होता नहीं है, क्योंकि बहुत भूख लगती है, और सहरी के बगैर रोज़ा गाइज रख सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं रख सकते, रख सकते हैं बट उसमें नियत करनी होती है सिर्फ. सो गाइज अभी मैंने सिर्फ 2 रोज़े छोड़े हैं, बाकी सारे रखे हैं, इंशाल्लाह सारे रखूँगा, और जो बचे हुए हैं वो सारे रखूँगा. सो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, मैं थोड़ी देर में नहाने जाऊँगा, बाय बाय. और हाँ गाइज मैंने कवर भी मंगाया क्योंकि ये अब मेरा ना थोड़ा सा बोर हो गया कवर, शशके वशके मारने की वजह से ना ये वाला ले लिया फजूल में, इसी के प्राइस में एक अच्छा सा मिल रहा था, शशके वगैरह मारने की ज़रूरत भी नहीं थी. सो अभी नया न्यू कवर आएगा, उसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगा और उनको प्रमोट भी करूंगा. सो लेट्स सी, अगर आपको पेड प्रमोशन के लिए देना है तो मुझे दीजिएगा, और किसी को नहीं दिया देखिए. सो अभी तो मैं टीवी देख रहा था, बिकॉज अभी मैं टीवी टाइम होता है 2 बजे, क्योंकि अभी तो 2 बज रहे हैं और 3 बजने वाले हैं, नहीं 3 नहीं बजने वाले, 2:30 बजने वाले हैं. सो गाइज अभी देखते हैं आगे क्या होता है एंड व्हाट आई विल डू नेक्स्ट. सो लेट्स सी दैट व्हाट आई विल डू. और गाइज मैं जल्दी से सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा दीजिए क्योंकि 64 सब्सक्राइबर्स हैं, 70 गाइज मैं ये बोल रहा था कि आप मेरे 70 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी, वैसे ही मुझे डबल खुशी है, तो आप मुझे थोड़ा सा और भी कर दीजिए. सो लेट्स
स्टार्ट आवर व्लॉग, क्योंकि पहले से ही स्टार्ट हो गया है। सो आगे बढ़ाते हैं व्लॉग को, और मेरा कवर कब आएगा क्योंकि इससे मैं बहुत तंग हो चुका हूँ। और गाइज मेरी फ़ोन बहुत ज़्यादा ही टूट गई है, और इसका प्रोटेक्टर भी चेंज करवाना होगा। आप बोल रहे होगे इतना बकबक क्यों कर रहा हूँ। गाइज व्लॉग अच्छा होना चाहिए, व्लॉग में पूरी डिटेल बतानी चाहिए। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं। सो गाइज अगर आपने इस वीडियो को दे दिए 20+ लाइक्स, तो मैं सना और ताहा को यस बोलूँगा फॉर 12 hours या फिर 24 hours, पता नहीं मुझे, तो इसलिए। और आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गिव अवे भी हो जाए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और गाइज कमेंट्स भी ऑन कर देता हूँ, अगर आपको इतने मतलब वो है तो कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। 20+ लाइक्स होने चाहिए तो फिर ही मैं सना और तहा को मतलब वो करूँगा, क्या होता है वो मतलब सना और तहा को यस करूँगा। सो अभी देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूँ, बिकॉज अभी तो मैं टीवी देख रहा हूँ, हाल फिलहाल मेरा कोई हाल नहीं है। सो थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँगा और नहाऊँगा, थोड़ी देर के बाद। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन पर, और उसके बाद मैं लाइक कल मेरा टेस्ट है, बिकॉज मैंने थोड़ा डिले टेस्ट देने का सोचा है। सो थोड़ी देर के बाद मैं मतलब शायद 5:30 या फिर 6 भी मैं आ सकता हूँ घर पर। सो लेट्स सी, और मैं जाता हूँ उसके, ये बहुत टशन होता है इधर या फिर इधर हाथ में होना ना, तो एकदम ही मतलब वो सीनियर्स लगते हैं मैं लोग, तो मैं ये हाथ में पकड़ता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ, और अभी मैं यहीं पे इफ्तारी करूँगा, बिकॉज मुझे मेरे पास इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ। सो गाइस यहाँ पर मेरी इफ्तारी की टेबल रेडी। सो गाइस अभी ये मेरा है, अजान भी आ चुकी है, और अभी मैं पानी से शुरू करूँगा, केक है बस ये है, और भी चीज़ें ऊपर से आ रही हैं। गाइस उठने से ही मतलब वो हो गया, मेरे ऊपर पूरा पानी गिर गया। सो गाइस अभी पानी पी लेते हैं। गाइस रोज़ा खोल लिया है, अब जब ऊपर से सामान आएगा फिर हम वो खाएंगे। सो गाइस यहाँ पे मेरी थालियाँ आ चुकी हैं, ये है थादल शरबत, ये सॉरी रू अफदा, यहाँ पे पानी था वो मैं पूरा पी गया, ये है मैगी पकौड़े, और ये रोल्स हैं, ये जलेबी है, ये समोसा है, ये शायद चाट है, और ये मेरे फेवरेट प्लेन केक्स, बिकॉज मुझे प्लेन अच्छा लगता है, और मुझे वो बादाम पिस्ता वाले केक्स अच्छे नहीं लगते, मुझे सब ये अच्छे लगते। तो ये मेरी पूरी मतलब वो है थाली जिसे कहते हैं वो है, और अभी मैं मेरे फेवरेट मैगी पकौड़े खा के देखूँगा। और ये जो है ना सब कुछ, ओनली दिस एंड दिस आई थिंक सो दिस ऑल्सो, और ये सारा के हाथ के बने हुए हैं। सो दैट, और सारा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि मैं ऊपर नहीं आया था, और वो बोली थी हम तुम्हारा नौकर नहीं है कि हम नीचे भी लेकर आए, पर आ गया मेरे पास नीचे। सो अब मैं खाकर फिर आपसे मिलता हूँ, या फिर उसके बाद ही मैं व्लॉग एंड कर दूंगा। सो बाय बाय। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बताने कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा। एक सेकेंड प्लीज शट अप, वो देखो। सो गाइज मुझे लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग है, आई थिंक मुझे लग भी नहीं रहा, मुझे यकीन है कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, कुछ ही लोग देखेंगे। सो पर फिर भी प्लीज़ थोड़ा सा अपना लव शो कीजिएगा इस पर। और गाइज मुझे आइडियाज़ क्यों नहीं मिल रहे, आइडियाज़ चाहिए मुझे ताकि मैं व्लॉग्स या फिर चैलेंजेस बनाऊँ, और चैलेंजेस भी ऐसे वैसे नहीं कि मतलब जिसमें खाना पीना या फिर कुछ और हो, कुछ और वाला चैलेंज होना चाहिए। यस, और गाइज इस अब मेरा वो कुछ भी इरादा नहीं है कि मेरी वीडियोस कब आएंगी, कौन सा रूटीन है, कैसे करना है, क्यों करना है,
और मुझे लगता है कि जब मेरा मन करेगा तब मैं पोस्ट करूँगा, बिकॉज मैंने जो टाइमिंग्स रखी थी वो तो आप फॉलो करते नहीं हो। मैं थर्सडे और संडे मतलब पूरा मैं व्लॉग्स और चैलेंजेस लेकर आता हूँ, आप लोग प्यार नहीं देते, तो मुझे 2 से 1 करना पड़ेगा। एक हफ्ते में मेरी सिर्फ 1 वीडियो आएगी। और मैंने मिनी व्लॉग्स भी निकाले थे पर फिर भी उनमें भी कोई प्यार नहीं आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग्स भी बना लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, और वो बहुत बड़ी होगी और अच्छी भी होगी और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी देंगे। सो अल्लाह हाफिज़, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।